और यूपी के सीतापुर में तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर शारदा नहर में जा गिरी। पिकअप में बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर लदे हुए थे। ट्रांसफार्मर जिला मुख्यालय स्थित वर्कशॉप से तंबाव ले जाए जा रहे थे। बताते हैं कि जब पिकअप शारदा सहायक नहर से गुजर रही थी, तभी पिकअप अनियंत्रित होकर शारदा सहायक नहर में जा गिरी। वह खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीण व क्रेन की मदद से नहर में गिरी पिकअप को बाहर निकलवाया और इस हादसे में पिकअप चालक लापता है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। तो सीतापुर की यह घटना है जहां पर एक पिकअप गाड़ी जिस पर ट्रांसफार्मर लदे हुए थे शारदा नहर में जाकर डूब गई है, जिसके बाद से पिकअप का जो चालक था वो फरार बताया जा रहा है, उसकी तलाश पुलिस कर रही है। साथ ही साथ क्रेन की मदद से पिकअप और जो उसमें ट्रांसफार्मर लदे हुए थे उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्रेन की मदद से पिकअप को बाहर निकाला गया है, साथ ही साथ जो ट्रांसफार्मर उसमें लदे हुए थे उनको भी बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन जो पिकअप का चालक था वो इस हादसे के बाद से फरार बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस तलाश भी कर रही है। सीतापुर से हमारे संवाददाता समी अहमद हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। समी, एक हादसा हुआ है, एक पिकअप जिसमें बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर लदे हुए थे हादसे का शिकार हो गई है और शारदा नहर में जा गिरी है। जी बिल्कुल धीरन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पिकअप है ये करीब चार ट्रांसफार्मर जो है सीतापुर जिला मुख्यालय से वर्कशॉप से लेकर तंबौर की तरफ जा रहा था, तभी जो है अचानक तो ये जो पिकअप डाला है वो अनियंत्रित हो गया और शारदा सहायक नहर में जाकर गिर गया। वही इस बात की सूचना जो है जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जो है ग्रामीणों की मदद से जो पिकअप डाला है उसको शारदा सहायक नहर से बाहर निकलवाया है। फिलहाल जो है अभी तक जो चालक है उसका पता नहीं चल सका। जी धीरे